एक ये हो गया, तो एक ये हो गया, और जो मतलब ये न्यू जो है ये कंपनी से मंगवाया था, फिर हम अभी इसको रिपेयर करेंगे। ये दूसरा अभी इसका आपको फाड़ भी दिखाएंगे कि इसका फाड़ गया है, फाड़ तो इसके बारे में हमने आपको बताना है। ये और ये खोल के इसे भी आप सफाई कर सकते हैं, इसको यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको व्हाट्सअप नंबर चाहिए, अपने चैनल हबीब मैकेनिक को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियो की सबसे पहले अपडेट आती रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक सब पे रहमत करे। तो आज हम आपको दिखाएंगे सूज़ो FVZ 280, ठीक है। तो इसका जो है रिले वाल का आपको कुछ बताना है रिले वाल के बारे में, ठीक है, जिसे हम हैंड ब्रेक वाल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वैसे दूसरी गाड़ी का फॉल्ट डेट हो चुका था, तो अभी जो है हम आपको इस गाड़ी के दिखाएंगे। इस गाड़ी के दिखाने का मकसद ये है कि ये रिले वाल जो है वो कहाँ पे लगा होता है, ठीक है, ताकि आपको अगर इसके बारे में तजर्बा नहीं है कि इसका जो रिले वाल है वो कहाँ पे लगा होता है, पहले तो आपको बताएँगे कि इसका जो हैंड ब्रेक वाल है वो कहाँ पर लगा होता है। तो देखते हैं, आपको बताते हैं साथ में। तो जो इसका वाल है वो हमने रिपेयर करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह रिपेयर करेंगे और भी कुछ इसके बारे में आपको मालूमात देंगे ताकि आपको इसके बारे में तजर्बा हो सके हैंड ब्रेक वाल के बारे में, ठीक है। तो चलते हैं पीछे की तरफ, आपको दिखाते हैं कि इसका हैंड ब्रेक वाल कहाँ पे लगा होता है और उसका मतलब फंक्शन क्या होता है, वो भी आपको साथ में बताएंगे इंशाल्लाह। वीडियो आप मुकम्मल देखें ताकि आपको इसके बारे में तजर्बा हो सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना। चलते हैं पीछे की तरफ। तो अभी अब नीचे की तरफ से चलते हैं, आपको दिखाते हैं कौन सा वाल है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो मिट्टी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये डंपर है ना, तो इसकी वजह से इसमें ज़रा मुश्किल हो जाता है। ये देखें, ये वाल लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला, इसको इसी को हमने रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ये वाला, तो ये हैंड ब्रेक का सिस्टम होता है इसमें, इसमें चारों का हैंड ब्रेक का, मतलब एक ये हो गया, तो एक ये हो गया, और जो है एक आगे की तरफ से, ठीक है। तो इनका सिस्टम होता है हैंड ब्रेक के साथ। तो हैंड ब्रेक का वाल यही है जो ये नीचे की तरफ से लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हमने रिपेयर करना है। तो ये जी माशाल्लाह हम ये वाल की तरफ आ गए हैं, तो आपको ये पार्ट्स भी दिखाएंगे, ठीक है। तो ये पार्ट्स खुले पड़े हैं, आपको मैंने मतलब खोलने की वीडियो नहीं दिखाई थी, ठीक है। तो हमारे साथ में म्यूज़िक की दुकान है, तो वहाँ से म्यूज़िक की आपको आवाज़ आ सकती है, ठीक है, उसके मैं माजरत करूँगा। तो ये जो है मतलब ये वाल खुला पड़ा है, ठीक है, रिले वाल भी कहते हैं, तो हमारे यहाँ तो वैसे हैंड ब्रेक वाल कहते हैं। ये नीचे की तरफ से जैसे मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, तो मैंने वो दूसरी गाड़ी का आपको दिखाया था, ये जो है ये और गाड़ी का खुला पड़ा है, ठीक है। तो वैसे हमने ये न्यू लगा के लगा दिया था, ये देखें, ये इसका हमने न्यू लगाया था, न्यू जापानी जो है ये कंपनी से मंगवाया था, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो अभी जो है हम इसको रिपेयर करने लगे हैं, ये खोल के रख दिया था, फिर हम अभी इसको रिपेयर करेंगे, ये दूसरी गाड़ी को लगा देना है, ठीक हो गया। तो अभी इसका आपको फॉल्ट भी दिखाएंगे कि इसका फॉल्ट गया है, फॉल्ट तो ये हो गया था, ये छोटा सा एक पिस्टन है तो ये फॉल्टेड हो चुका था, ठीक है। तो अभी जो है हम इसको न्यू लगा के, तो वैसे हमने सफाई करनी थी, हमने ये मुकम्मल खोल दिया है, इसकी सफाई वगैरह हमने कर ली है, तो अभी जो है हम इसको फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग आपको दिखाएँगे कि इसका फिटिंग का सिस्टम क्या है, तो कैसे ये फिटिंग की जाती है। खोलने की तो वैसे भी आपको शायद ज़रूरत ना हो, तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, तो अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक नहीं करना। तो मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हैं, कोई भी ऐसी बात पूछनी हो या फिर कोई भी फॉल्ट रह गया हो वीडियो में तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। तो आप कमेंट्स ज़रूर किया करें, ताकि इसमें बहुत ज़्यादा मेरी हौसला अफजाई होती है। तो अभी हम इसको फिटिंग करेंगे, तो दिखाएंगे ये कैसे फिटिंग होती है, ठीक है। रिले वाल इसे कहते हैं, मेरे ख्याल में इधर भी रिले वाल ही इसका ओरिजिनल नाम है। तो आप देख सकते हैं इसका नाम, क्योंकि ये इसका मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम इसको फिटिंग करते हैं, तो ये भी फिटिंग करने लगे हैं, तो आप देखते जाना। इसमें वैसे मेरी बात करने की ज़रूरत तो नहीं है, ये रिंग डल गया, ठीक है। तो हमने हल्की हल्की सी इसको ग्रीस लगा देनी है, तो इस तरफ भी
तो ये जी हम अभी इसको बिठाने लगे हैं, ठीक है। तो ये हमने इसके बारे में हमने आपको बताना है, ये बिल्कुल सीधा बिठाना चाहिए क्योंकि इसका ये जो है ये लॉक सिस्टम है। ये देखें, ये इसको हमने ऐसे बिठा दिया, ये देखें ऐसे बिठा के यूँ घुमा देना है, ठीक हो गया। तो इसका ये लॉक सिस्टम है, तो अगर हम सीधा नहीं बिठाएंगे तो ये बुलेट नहीं लगना है, ठीक है। तो ये हम ऐसे, ये देखें, हालांकि ये चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बहरहाल कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा अनजान तो उनको ज़रूरत होती है। देखो ये हमने बराबर कर देना है यहाँ पे, ये हो गया, ठीक है। तो हमने मज़ीद इसको बिठा के देख लेना है, तो ये थोड़ा सा और घुमा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपने ग्रीस नहीं लगानी, ठीक है, कपड़ा देना। तो हल्का सा हमने वैसे हल्की सी ग्रीस लगी हुई है क्योंकि मेरे हाथों को ग्रीस लगी हुई है ना, तो इसको भी ग्रीस लग गई होगी, तो हमने इसको साफ़ कर देना है। यहाँ पे तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, हमने इधर इसको बिठा देना है, ठीक है। ये हल्की हल्की से अगर इधर ग्रीस लगा दें तो ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे, ये और ये और, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे मैंने ग्रीस लगा दी थी, तो अभी हमने इसको बिठा देना है। बिल्कुल असल में ना नीचे से सीधी नहीं हो रही, यहाँ पे ये फिट आती है तो ये सीधी नहीं बैठ रही। देखें हमने सीधी बिठाई है ना, तो आसानी से बैठ गई है। तो आप पहले भी बिठा सकते थे इसको, जो बड़ा पिस्टन था उसे बिठा के आप इसको बिठा के फिर भी बिठा सकते थे, बहरहाल ये सही फिटिंग आ गई है। तो बताया ये हो गई, ये यहाँ पे आनी है, ठीक है, बिठा के ये इसका फिल्टर है जो नीचे से मिट्टी ना आए, ठीक है। तो ऐसे खोल के इसे भी आप सफाई कर सकते हैं, तो ये इसको फिट कर देना है। वैसे आपको इसके बारे में बताने की ज़रूरत तो नहीं थी, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी जो है हमने इसको फिटिंग कर देना है, तो ये जी हमने इधर इसको लगा देना है, ठीक है। तो ये बड़े हैं और ये छोटे हैं साइडों वाले, तो ये वैसे बताने की आपको ज़रूरत तो नहीं थी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें ताकि हमारी इसमें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हो सके। तो और कुछ पूछना हो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप व्हाट्सएप नंबर मेरा ले सकते हैं। तो आप कोशिश किया करें जब भी मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता किया करें तो अपना तारफ़ ज़रूर कराया करें, ठीक है। तो काम के मुतालिक आप कोशिश किया करें तो मेरे से रब्ता किया करें। तो अभी जो है ये इसका पिस्टन है, ठीक है, तो हम जो दूसरा लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे नीचे रख देना है, ये देखें ये हो गया और ये हो गया, ठीक है।
वैसे इसके औज़ार तो होते हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के बने होते हैं औज़ार, टूल वगैरह होते हैं, तो इससे भी वैसे बेस्ट ही। तो इसके नीचे एक रबड़ का रिंग भी है, तो वो मैंने आपको दिखाया नहीं है। तो ये जी माशाल्लाह, तो ये जी माशाल्लाह ये अटैच हो गया, ठीक है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे, इसको यहाँ से भी चेक कर सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ से भी चेक करें ताकि ये लीक ना हो, ठीक है। मुंह के साथ जैसे हम अपनी तरफ खींचते हैं ना वैसे, तो यहाँ से भी और यहाँ से भी, यहाँ से भी, ठीक है। तो यहाँ से इस तरफ से आप चेक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से प्रेशर होता है इसका। चलो जी, तो ये जी माशाल्लाह फिटिंग हो चुका है, ठीक है। तो इसको हम गाड़ी के साथ फिटिंग कर देंगे। तो और तो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, बस यही थी दिखाने की ज़रूरत। ठीक हो गया अभी के लिए, ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।